लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट अब एंजल ब्रोकिंग के समीत चव्हाण मेरे साथ जुड़ रहे हैं। समीत, हाय, गुड मॉर्निंग। आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं सर निफ्टी की चार्ट, क्या करना चाहिए इस समय? गुड मॉर्निंग आशीष। लास्ट दो तीन वीक से क्लियरली हम जो एक कंसोलिडेशन फेज देख रहे हैं, निफ्टी 150-180 पॉइंट के रेंज में ही घूम रहा है। लेवल्स वाइज मोर और लेस मेरे भी सेम लेवल्स है जो अभी प्रदीप ने डिस्कस किए। नीचे अगर देखें तो 8540-8600 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 8600 के आसपास एक बाइंग करनी चाहिए। लास्ट दो दिन से अगर हम देखें तो 8600 पे सपोर्ट लेके निफ्टी एक रिबाउंड दे रहा है, तो वहां पे बाइंग की सलाह होगी। 8560 स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 8680 का होगा। ओके, तो दोनों ही एक्सपर्ट्स प्रदीप और समीत दोनों मानते हैं बाजार में खरीदारी करने के मौके 8600 के आसपास आए तो खरीदारी करें। समीत कहते हैं 8560 के स्टॉप के साथ 8680 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करना चाहिए। अच्छा समीत, ये तो निफ्टी की रणनीति हुई, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें आज के लिए। जी, कल हमने मेटल स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखी थी। लास्ट तीन चार दिनों से हम स्टील अथॉरिटी पे हमारा एक पॉजिटिव बायस मेंटेन कर रहा है, और कल उसने एक 4-4.5% का एक अच्छा खासा मूव दिया हुआ था। अभी देखे तो टेक्निकली उसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है डेली चार्ट पे, तो उसमें एक माइनर डिप पे खरीदारी की सलाह होगी। 46 का स्टॉप लॉस, टारगेट 51 का होगा। और दूसरा थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है ISCI, बट अगर हम देखें तो 26.5-27 काफी अच्छा सपोर्ट है, और थोड़े इंडिकेशन दिख रहे हैं इसमें कि इसमें एक आने वाले 2 या 3 दिनों में एक अच्छी खासी तेजी दिखी जा सकती है, तो उसमें भी खरीदारी की सलाह होगी। 25.5 का स्टॉप लॉस होगा और 30 रुपए का टारगेट होगा। तो आशा PSUs का देना, क्योंकि समीत की दोनों टॉपिक सरकारी कंपनीज हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, और साथ साथ IFCI, दोनों में खरीदारी करने की सलाह, और निफ्टी भी समीत मानते हैं खरीद के चले। समीत आपका धन्यवाद, और अब सीधे पूजा के पास।